लगातार जहां पर स्टेटहुड मिशन स्टेटहुड को लेकर सुनील डिंपल ने आवाज़ उठाई, वहीं दूसरी तरफ लगातार विपक्षी दलों ने भी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से, मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आज जहां पर एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाज़ उठा रही है कि मिशन स्टेटहुड यानी कि स्टेटहुड का दर्जा वापस लेने को और साथ ही धारा 370 और 35 ए को दोबारा से रिस्टोर किया जाए, वहीं दूसरी तरफ आज एक चीज़ देखने को मिली, एक ही मंच के तले सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इकट्ठे होकर आवाज़ उठाई है कि जल्द से जल्द हमें रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड चाहिए, यानी राज्य का दर्जा हमें वापस चाहिए, जो हमारा मान अभिमान हमारा स्वाभिमान है। आइए बताते हैं, दिखाते हैं आपको क्या कहना है इन राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों का। सबसे पहले मुबारक दूंगा हमारे भाई सानी साहब को, जिन्होंने एक सबको इकट्ठा करके हम सारे विभिन्न पार्टियों से जो सारे प्रतिनिधि मंडल आए हैं वो भी आपको अभी अपनी वार्ता रखेंगे। आज सभी ने इकट्ठे होकर और मैं इसमें जो हमारे शिवसेना के प्रधान हैं जे एंड के सानी साहब, इनको मैं मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने आज ये सबको इकट्ठा करके एक मंच पे एक आवाज़ उठी है कि इलेक्शन से पहले हमारी स्टेटहुड रिस्टोर करें बीजेपी, और प्रधानमंत्री अपना वादा याद करें जो 15 अगस्त को उन्होंने बोला था कि हम स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। जो हमारे अमित शाह जी हैं होम मिनिस्टर, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला था कि स्टेटहुड दे दी जाएगी, तो स्टेटहुड बिफोर इलेक्शन दी जाए। अगर बीजेपी की नीयत साफ है तो वो पहले हमको स्टेटहुड दे, बाद में इलेक्शन करे, क्योंकि अगर वो कहीं ना कहीं उनके मन में चोर है, जो हिंदुस्तान के सर का ताज था, जो रियासत हमारी महाराजाओं ने हमको दी, उस रियासत का जो इन्होंने जो छीना है हमसे, ताज छीना है, वो वापस किया जाए, वरना यहाँ जम्मू में एक नारा चलेगा, नो स्टेट बिफोर इलेक्शंस, नो वोट टू बीजेपी, नो वोट टू बीजेपी। और दूसरी बात, हम चाहते हैं कि यहाँ से माइनिंग माफिया जो है वो बाहर किया जाए। एक ट्रैक्टर अंदर हो रहा है उसको 50,000 रुपया और जो जुर्माना हो रहा है, और जो एक ट्राली जो लोडर है जो माइनिंग माफिया का, उसको कोई चलान नहीं हो रहा क्योंकि वो माइनिंग माफिया का है। और लिकर माफिया, किसी लीडर ने नहीं मांगा कि हमको यहाँ पे नई शराब की दुकानें खोल के दें, लेकिन ये जो आज की लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है, उन्होंने हमको जो ये मंदिरों को शहर को शराबियों का शहर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शराब के ठेकों का शहर बनाया है, इसका सख्ती से विरोध करते हैं। और हम सबसे पहले हमारी एक ही मांग है, वो है स्टेटहुड। मनीष सर क्या कहना चाहेंगे, जहां एक तरफ अमित शाह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जल्दी रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड होगा। बिल्कुल जी, लगातार हम मांग कर रहे हैं। आज मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं कि जितनी भी पार्टियों ने आज की बैठक के अंदर हिस्सा लिया है, विशेष तौर से टोनी जी का, सैनिक समाज पार्टी का, लोक जनशक्ति पार्टी का और राम सेना का, और जितने भी हमारे सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को आज बुलाया गया था, सबने अपनी उपस्थिति दी है। और इस समय हमने 3 कोर इश्यूज पर हम एक साथ चलेंगे, एक आवाज़ के साथ चलेंगे और आवाज़ बुलंद करेंगे। वो जम्मू कश्मीर आवाम की आवाज़ है, वो सबसे पहला है कि हमारा राज्य का दर्जा वापस लौटाया जाए, यानी जो 28 महीने पहले हमसे छीना गया था। और लगातार सदन के पटल पर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ये दावा करते रहते हैं, जनता के बीच आकर दावा करते हैं हमें बताया जाए और जल्द से जल्द हमारा राज्य का दर्जा वापस लौटाया जाए। उसके बाद दो और इश्यूज़ के अंदर, बिफोर असेंबली इलेक्शन, यानी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होने से पहले हमें राज्य का दर्जा दिया जाए, इसके साथ दो और इश्यूज़ हमने उठाने का, एक साथ होकर आवाज़ उठाकर हम एक साथ चलेंगे। वो है कि जो न्यूनतम वेजी
वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया जाए। इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर न्यूनतम वेतन एक्ट तमाम राज्यों से बहुत कम है, 220 रुपए है मात्र। अगर जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया तो यूटी की तर्ज पर और अन्य पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर जम्मू कश्मीर का न्यूनतम वेतन एक्ट जो है वो न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए। और तीसरी हमारी मांग पर सहमति हुई है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे डेली वेजर, उनको जो 5 साल सेवाएं दे चुके हैं उनको जल्द से जल्द पक्का किया जाए। ये 3 मांगों के साथ हम आगे बढ़ेंगे और बैठकों का दौर आज पहली बैठक है, ये बैठकों का दौर लगातार चलता रहेगा। आवाम के जितने भी कोर इश्यूज होंगे उन सबको हम एक साथ आवाज बुलंद कर आड़ उठाएंगे। मनीष जी, बात आपने की बात मिनिमम वेजेस एक्ट की, लगातार डेली वेजर उसी चीज को लगातार प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक बात रख रहे हैं। पिछली बार जब गृह मंत्री जो थे अमित शाह जी जम्मू में आए थे, कहा था कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका है, इस बार गृह मंत्री जी शायद वो भी भूल गए हैं। बिल्कुल जी, लगातार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी बैठ के कर रहे हैं रोजाना, और पीछे बहुत शोर आया था कि आज और कल 1-2 दिन के अंदर बैठक हो चुकी है, निर्णय ले लिया गया है, जल्द से जल्द इनको जो है राहत दी जाएगी, मगर जमीनी स्तर पर शायद कुछ नहीं हो रहा। मात्र वही हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर दुकानें खुल रही हैं, टोल प्लाजा खुल रहे हैं, शराब की दुकानें खुल रही हैं और खनन माफिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। जनता की आवाज़ कहीं ना कहीं दब रही है, उस आवाज़ को अब हम सारे तमाम संगठन जो है मिलकर बुलंद करेंगे। बिल्कुल जी, एक मन से आपको तमाम जनता के मुद्दों को उठता हुआ आप सुनेंगे। धन्यवाद। आपने देखा आज सामाजिक दल और ये कहेंगे कहीं ना कहीं सियासी संगठनों ने आज यहाँ पर एक ही मंच के तले आवाज उठाई है, और कहते हैं एकता में बल है, जब एक होकर आवाज़ उठाएंगे तो वो आवाज़ काफ़ी बुलंद होती है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार तक पहुंचने में काफ़ी कारगर साबित होती है। तो आपने देखा क्या मांग थी, आज की मांग यही थी कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, कि जिसका लगातार अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को ही वायदा किया था जल्द से जल्द रेस्टोर होगा। पर वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता ये कहते हैं कि जो भी स्टेटहुड की मांग करता है वो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। अब जनता को डिसाइड करना है कि क्या प्रमोशन से डिमोशन की गई, और अगर आप हमारी यानी लगातार हमने देखा यूटीज को स्टेट बनते देखा, पर स्टेट को यूटी बनते पहली बार देखा है। अब ये जनता करेगी कि क्या अपना मान अपना स्वाभिमान वापिस लेना है या इसी तरह से डिमोशन के साथ हमने अपनी जिंदगी को जीना है। ये आज एक ही मंच के तले सारे सियासी सामाजिक संगठनों ने इकट्ठे होकर आवाज़ उठाई है। आप देखना इस आवाज़ में कितना दम होगा, इस ये आवाज़ कितनी बुलंदी के साथ कितनी तेज़ी के साथ केंद्र तक पहुंचती है। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।